मैं इस टाइम हूँ अमृतसर में एक रिक्शे पर, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आप जो भी खाना खाते हैं पचेगा तो ऐसे ही पचेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। झटके आएंगे, खाना पचेगा, सो मेक श्योर रिक्शा पे यहाँ पे ज़रूर आप एक बार घूमें, ई रिक्शा पे स्पेसिफिकली। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। फिलहाल अमृतसर की इन तंग गलियों में रिक्शे में बैठकर मैं आपको जहां लेके जा रहा हूं वो है एक बिजी मार्केट एरिया, और उस बिजी मार्केट एरिया में है एक छोटी सी मिठाई की दुकान। उसमें ऐसा खास क्या है और मैं वहां पे क्यों जा रहा हूं, चलिए देखते हैं। अमृतसर में अभी मैं हूँ जिस जगह पे, इसको जलेबी चौक भी कहा जाता है, और बेसिकली उसका रीज़न है गुरदास राम जलेबी वाला जो मेरे ठीक सामने है। मैं बहुत ज़्यादा तो जलेबी फ्रेक नहीं हूँ, बट अब तक मुझे फ्लेवर्स तो लेके आने हैं, और दिस इज़ द रीज़न मैं यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए चलते हैं गुरदास राम जलेबी वाले जी के पास और देखते हैं वहाँ पे इनकी जलेबियों में ऐसा खास क्या है। कितने टाइम से आपकी शॉप? अप्रोक्स 64 इयर्स। 64 इयर्स से है, और यहाँ पे क्या खास बात क्या है आपकी जलेबी में? जलेबी है और क्या है? गुलाब जामुन, गुलाब बेसन के लड्डू, पतीसा बेसन के लड्डू। अरे ग्रेट, या ग्रेट। चलिए थोड़ी सी जलेबी आप मुझे आप दिखाइए। मैंने इनसे जलेबी ली है, और बिलीव मी देखने में बहुत क्रिस्पी है। थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करके बता दे रहा हूँ। जलेबी है वो लोग, इसमें अगर आप जलेबी देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही इसमें रस है, क्रिस्पी भी बहुत है। सुपर ऑसम, यू नो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जलेबी जो मैंने अब तक खाई है। बेस्ट थिंग इज ये क्रंची भी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो क्रंची और सॉफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है शायद इनकी जलेबियों को काफ़ी खास बनाता है। तो अगेन मैं थोड़ा सा आपको अंदर से भी मैं दिखाना चाहता हूँ। सी अगर आप देख पा रहे हो तो अंदर से आप देख पाएंगे थोड़ा सॉफ्ट ही है ज़्यादा है, और बाहर से क्रंची और ट्रिपिंग जलेबी, मैं तो इसे कहूँगा ट्रिपिंग जलेबी है क्योंकि जूस बहुत ज़बरदस्त है इसमें, जो जलेबी का रहता है चाशनी बेसिकली। परफेक्ट, मेक श्योर यहाँ की जलेबी आप ज़रूर टेस्ट करें। परफेक्ट, मेक श्योर कि यहाँ की जलेबी आप ज़रूर टेस्ट करें, क्रंची और सॉफ्ट। उम्मीद करता हूं कि अमृतसर का ये जलेबी स्पेशल एपिसोड आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अमृतसर के और भी स्ट्रीट फूड्स के साथ जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस। आपको बहुत सारा मनोरंजन और जानकारी देने वाले फूड शॉपिंग और ट्रेवल वीडियोस को देखते रहने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे और ये आपसे मिस ना हो। तो देखते रहिए द एक्सप्लोरर राज।